अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम कोकापेट से लेके पूरा हाईटेक सिटी तक पूरा सर्वे करें, कहीं पे भी हमारे को इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर का फाउंडेशन नहीं मिला ना उसकी ज़मीन मिली। 2014 में तेलंगाना की तश्कील होने के बाद के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों से वादा करे थे, कई वादे करे थे, हम हर वादे पे उनके आके बताएंगे, कोई भी वादे में उन्होंने पूरे नहीं उतरे। प्रैक्टिकली हम हाईटेक सिटी में आके आपको ये बता रहे हैं, कोकापेट में भी हमको कहीं ज़मीन नहीं मिली और अनखरीब हर जगह हम फिर लिए, कहीं पे भी नहीं मिली। 40 करोड़ की लागत से मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक सेंटर बनाने वाले थे, जिसका 2017 अक्टूबर में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐसा ऐसा करके असेंबली में शुक्रिया अदा करे थे और अपने सोशल मीडिया एडमिन के पेजों पे 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पे बोले। तो भाई ज़रा एक बार वक्त निकाल के आके बता दीजिए, कहाँ पे इसका फाउंडेशन रखे, कहाँ पे इस्लामिक सेंटर बन रहा, कहाँ पे इसका लोकेशन है, ताकि हम भी आपके साथ हामी भर सके। हाँ भाई, इस्लामिक सेंटर बन रहा 10 साल के वक्फे में, शायद एक पत्थर लगा के एक तख्ती तो लगा दिए होंगे, जैसा हम ओल्ड सिटी में लगाते हैं 50 करोड़ का डेवलपमेंट, 40 करोड़ का डेवलपमेंट मिलके। तो मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये KCR को पहचानी है आप लोग। हम हर वो जगह आपको लेके जाकर बताएंगे जहाँ के KCR ने मुसलमानों से वादा किया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ TRS के मुस्लिम कायदीन से, आप लोग भी अपनी आँखों को खोलिए, जो मुसलमानों को वादे करके 10 साल में पूरा नहीं दिया, आप उसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठाए, कम से कम आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको अपने सर पे बिठा कर लेके आएंगे, आपको हर वो मुकाम दिलाएंगे, लेकिन आप हकीकत बयान करिए, क्या KCR ने अपने वादे पूरे किए। हम यहाँ तक कि अजमेर भी जाके रुबात बताएंगे, जितने इसके लोकेशन थे, मेरे साथ मतीन शरीफ साहब है, इलियास साहब है, जावेद साहब है, दूसरे डेलीगेशन से हमारे कांग्रेस के, हम हर जगह जाके बताएंगे और हमारी बात भी आप तमाम तेलंगाना को बताइए, क्योंकि सच और हक की बात कर रहे हैं हम। जो वादे KCR ने किया था उसको पूरा नहीं किया, अगर वादे कर रहे हैं तो उसको पूरा करना, लिहाजा इसकी धोखेबाजी को समझिए और इसके साथ जो हामी भर रहे हैं उनको भी समझिए। मैं दोनों को सवाल कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें आप जवाब दीजिए, KCR साहब इस्लामिक सेंटर की बुनियाद कहाँ रखे ये बोलिए, नंबर 1 CM बोलने वाले महमूद अली साहब आप भी कुछ बोलिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय कांग्रेस।